आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी होगे जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड का ऑफ्टीस इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकीब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है शुरू से लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ पॉइंट तीन की रेटिंग से मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फ़िल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला कर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दो सौ बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पे क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना थोड़ा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो गए जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से दो तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्याराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले है मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज्नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फ़िल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म में हीट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भारत के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं भारत का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराज गंगरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाले हैं हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि दो की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सहेश्वरी महेश्वरी क्यान मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फतेहरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी है जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस, तो इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी ये है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू कोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की दो की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड काफ्ट इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सहेश्वरी महेश्वरी कन्यान मायना नंदिनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी है जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी uh, प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी ये है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमोटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड कास्ट है में आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयाराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदिनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला के रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फिल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इन्जॉय करिए मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी होगे जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जी की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड का इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकीब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है शुरू से लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गज़ब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फ़तेरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला कर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज़ उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है पहाथ के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय छातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फ़िल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड का ऑफ इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फ़तेरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दो सौ बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि माफ्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पे क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला कर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रील भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय छात्र वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नजर नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बाला चंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फ़िल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्याराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज्नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फ़िल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म में हीट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भारत के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं भारत का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराज गंगराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाले हैं हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड काफ्ट इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चना मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है शुरू से लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फतेहरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी है जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहें तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़न या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म में हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुपा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी ये है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड क्राफ्ट इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सहेश्वरी महेश्वरी क्यन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी है जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहें तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म में हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भारत के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी ये है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमोटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड कास्ट है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयाराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गज़ब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी uh, प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़न या फिर नैटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला के रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फिल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इन्जॉय करिए मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी होगे जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जी की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड का इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकीब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ पॉइंट तीन की रेटिंग से मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गज़ब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फ़िल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला कर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है पहाथ के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय छात्र वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी होगे जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फ़तेरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दो सौ बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना गर्म ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पे क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फ़िल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना थोड़ा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बाला चंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमाटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरी जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि दो की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सतहरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज्नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फ़िल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म में हीट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भाज के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं भारत का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराज गंगरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाले हैं हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड काफ्ट इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चना मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है शुरू से लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फतेहरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी है जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहें तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म में हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुभा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी ये है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड काफ्ट इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सहेश्वरी महेश्वरी कन्यान मायना नंदिनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती हैं बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी uh, प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहें तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगे इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तरह ही है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी ये है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमोटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवा फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड कास्ट है इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयाराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदिनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कैमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला के रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्म भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय सातुबा वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गंधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फिल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इन्जॉय करिए मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन सी टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी होगे जिन्होंने टी वी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जी की 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड का ऑफ्टीस इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकीब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर से लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था वो लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत सत्यराज जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप, आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला कर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है पहाथ के बारे में अगर बात कर तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रेल भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय छात्र वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बालाचंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना ज़रूरी नहीं है जरूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गधराजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमामेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेंगी आज यहाँ पर हम एक और धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विक्रम है और इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसके अंदर आपको ज़बरदस्त विलन भी देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों विक्रम के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और ये मूवी कौन से टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है वो आपको देने वाला है हो सकता है कि आप लोग में से बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने टीवी पर इसे देखा हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई क्लिप देखी हो और इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विक्रम जो कि 2022 की तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसका रन टाइम लगभग जो है तीन घंटे के आसपास का रहा है इस मूवी के अंदर आपको मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं और सबका काम बहुत ही बढ़िया रहा है लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो वाकई ट्विस्ट से भरा हुआ है बात करें अगर फिल्म के बारे में तो जो लीड का इसमें आपको कमल हसन विजय सेतुपति फहाद फाजिल अर्जुन दास गायत्री शिवानी नारायण माया सुंदर कृष्णा कार्थी जफर साकिब कालिदास जयराम सविस्ता महेश्वरी चनाकन मायना नंदनी अरुण डोज ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो काफ़ी अच्छी कराई गई है और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर उसे लेकर एंड तक ये ज़रा भी बोर नहीं करती है आपके ये जो ढाई घंटे तीन घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी कहानी इतनी स्मूथ चलती है अगर रेटिंग की बात की जाए तो दस में से जो है वो आठ की रेटिंग इसे मिली हुई है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा लाइक मिला हुआ है इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और कलेक्शन इसका काफ़ी बढ़िया रहा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही थी और इसका जो एस्टिमेट कलेक्शन था लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था लोकेश कंगाराज ने जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने वैसे पहले दे रखी हैं इनके स्टाइल के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है और वो हमेशा से तो बढ़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं इनकी एक और मूवी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम कोली रहने वाला है वहाँ पर आपको रजनीकांत फ़तेरा जैसे किरदार देखने को मिलेंगे देखते हैं वो कितनी बढ़िया रहती है बाकी और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुकी हैं जो काफ़ी अच्छी रही है जैसे कि लियो विक्रम कैथी तो सब मूवीज़ काफ़ी बढ़िया रही थी लियो भी दो सौ बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास्टर रही थी और जो विक्रम थी भी काफ़ी बढ़िया रही इसके अलावा कैथी और माना में ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इन्होंने पहले दे रखी हैं और कुछ वेब सीरीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिले मतलब लिखी है उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कमियों भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि मास्टर मूवी के अंदर आपको देखने को मिला था तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी के अंदर फ्री में देखना चाहते हैं तो अब आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पे क्योंकि इस मूवी को फ्री कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर आप लोग चाहे तो अभी जाकर इसे वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि अब जो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर है वो भी मूवीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बस अब वेट है तो अमेज़ोन या फिर नेटफ्लिक्स का वो भी अगर फ्री में कर देंगे काफ़ी सारी मूवीज़ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा खैर वो कब करेंगी इसके बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन हाँ अभी के लिए आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगी चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में तो फिल्म के अंदर कमल हासन है तो कमाल के ही है लेकिन जिन दो कलाकारों ने यहाँ पर स्क्रीन हिला हिलाकर रख दिया है वो एक तो है मलयालम सुपरस्टार फहाद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों के अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सातुपति कमल हासन के जो अभिनय के बारे में बात करें तो कुछ कहना ही गलत होगा लेकिन फिल्म के अंदर सफलता ने जो कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला हुआ है फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने कहा था कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो कमाएंगे उन सब पैसों को वो अपने सारे कर्ज उतारेंगे और बढ़िया खाना खाएंगे सब जानते हैं कि कमल की पिछली जो कहीं फिल्में थी वो बड़े बजट की फ्लॉप रही थी और ठीक यहाँ पर हिंदी फिल्मों भी जो यहाँ पर देव आनंद की तराई है भाज के बारे में अगर बात करें तो कमल का कहना है कि वो तो पता नहीं कि वो कैसे एकदम बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन लेते हैं और फिल्म में कितना छोटा रील भी क्यों ना हो लेकिन पूरी स्क्रीन पर वो खा जाते हैं फाद का जो अभिनय होता है प्रतिभा को इस और बेहतर समझाया गया समझाया नहीं जा सकता है साथ ही में जो विजय छात्र वो भी दोस्त भले ही एक छोटे रोल के अंदर आए लेकिन वो स्क्रीन हिला सकते हैं उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंट थी वो खतरनाक लगती है और इस फिल्म के अंदर वो कहीं पर भी जो है हार मानते हुए आपको नजर नहीं आते हैं आखिर में सच के सामने उनका जो विभिष्य चेहरा होता है वो हार मान जाता है और कमल अपने गुरु निर्देशक के बाला चंदर को याद करते हुए कहते हैं कि फिल्म में स्क्रीन पर देखना देखते रहना जरूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि एक बेहतरीन भोजन की तरह प्रस्तुत करना जिसमें सभी कलाकारों की क्षमता मिली हो ताकि देखने वाले का पेट और मन दोनों ही भर जाए फिल्म के सिनेमाटोग्राफी गिरीश गाजन गंगाराधरन की है जो कि एक सफल सिनेमेटोग्राफर है गिरीश ने भी यहाँ पर जलीकुट्टू गोल्ड के सरकार और अंगमाली डायरीज़ जैसी लाजवाब फिल्मों के अंदर काम किया हुआ है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक्शन फिल्म है अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको वैसे बहुत कुछ दिखाया गया है मैं सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप इस फिल्म को देखेंगे आप समझ जाएँगे बाकी विक्रम बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है आप इसे एक बार ज़रूर इंजॉय करिए मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी लगेंगी